Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the deficiency diseases caused by minerals. Yesterday we discussed vitamin deficiency diseases. आज हम पढ़ेंगे ये minerals क्या होते हैं और इनकी deficiency से human body में कौन कौन सी diseases होती हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो बच्चों, मैंने minerals की definition simplest and easiest definition board पे लिखी है. They are important elements which play a very important role for normal functioning of our body. ये बहुत ही important elements होते हैं जो हमारी body को normal और प्रॉपर फंक्शनिंग में काम आते हैं, ठीक है? इन योर प्रीवियस ग्रेड्स यू माइट हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स. देर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स अवेलेबल ऑन अर्थ. उनमें से कुछ ही एलिमेंट्स हमारी बॉडी को चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है? उनमें से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन. बहुत सारे एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी को चाहिए. इसमें से जिंक भी आता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट किए हैं. अब इनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीज़ होती है. यहाँ पे मैंने जो बहुत ही फैमिलियर एंड इंपॉर्टेंट डिजीज़ है लाइक रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, गोइटर, एनेमिया एट्सट्रा, ये सारी डिजीज़ इनकी डेफिशिएंसी से होती है. वो हम आगे पढ़ेंगे रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होती है और ऑस्टियोमलेशिया किस डेफिशिएंसी से होती है, गोइटर, एनेमिया एट्सट्रा. सो मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर नॉर्मल और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी. तो उनके भी कुछ सोर्सेज होते हैं, किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कल मैंने विटामिंस का बोला था, उनके क्या सोर्सेज होते हैं, किन फ्रूट्स और वेजीज में प्रेजेंट होते हैं. तो बोथ दीज मिनरल्स एंड विटामिंस आर यूजुअली प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो वी मस्ट डेफिनेटली इंक्लूड दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आर डेली डाइट. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 62 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. यहाँ पे अच्छे से मिनरल्स दिए गए हैं, इनके सोर्सेज और इनके डिफिशेंसी डिजीजेज. पहला मिनरल जो यहाँ पे है, दैट्स कैल्शियम. कैल्शियम जो मिनरल है, ये बोन और टीथ बनाने में बहुत ही मदद करता है. इसके जो सोर्सेज है, मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सेसमी सीड्स. ये कुछ सीड्स होती है जो शायद रोटियों पे भी लगी होती है, जो हम कश्मीरी रोटियां ये लाते हैं उन पे भी ये सेसमी सीड्स होती है, रोस्टेड सेसमी सीड्स. देन मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजीज. इनकी डेफिशिएंसी से ओब्वियसली कैल्शियम इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स. देयर इज़ अ लूजनिंग ऑफ टीथ, टीथ बिकम थिन, बोन्स ऑल्सो बिकम ब्रिटल, वीक, फ्रेजाइल, ठीक है? तो बैक बोन जो है हमारी वर्टेब्रल कॉलम, दैट्स ऑल्सो मेड अप ऑफ बोन्स, उसमें भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बैक पेन होती है, बैक एक होती है. तो मसल वीकनेस भी इससे होता है. ऑस्टियोपोरोसिस इन अडल्ट. ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे जैसे लिखा है, इट्स अ डिजीज जहाँ पे बोन्स की जो डेंसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनसे कैल्शियम बाहर निकल आता है और नई बोन फॉर्मेशन स्टॉप होती है. बोन्स बिकम ब्रिटल एंड दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स. तो छोटों में अगर हम बात करेंगे चिल्ड्रन में, उनमें रिकेट्स होता है. जैसे अभी मैंने बोर्ड पे लिखा था रिकेट्स. रिकेट्स इज अ डिजीज विच इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन यंग वंस. उसमें क्या होता है, जो लेग बोन्स होती है उन पे ज़्यादा, बिकॉज द वेट ऑफ होल बॉडी इज यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द लेग्स. तो उनकी जो बोन्स होती है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, तो बेंट हो जाती है बोन्स, जिसकी वजह से बच्चा खड़ा नहीं रह पाता है. तो उसमें फ्रैक्चर्स के चांसेस भी रहते हैं. अब यही डिजीज़ इन अडल्ट्स में, हम इसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन्स को फ्रैक्चर्स के बहुत सारे चांसेस होते हैं. टीथ भी बहुत वीक हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट थिन हो जाते हैं, एंड लूजनिंग ऑफ टीथ ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. सेकेंड इंपॉर्टेंट मिनरल, दैट्स फॉस्फोरस. ये फॉस्फोरस जो है, ये भी डायरी प्रोडक्ट्स में होता है, कुछ नट्स में होता है और सी फूड में लाइक फिश में प्रेजेंट होता है. इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट अगर हम प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करेंगे, किनका, कंटिन्यूस यूज़ ऑफ एंटी एसिड्स. कभी कभार एसिडिटी हो जाती है स्टोमक में, फिर हम एसिड्स, एंटी एसिड्स लेते हैं. तो अगर हम कंटिन्यूसली वो प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करेंगे उनका, उससे ये फॉस्फोरस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से बोन पेन हो जाती है, फ्रेजाइल बोन्स और वीक बोन्स, एपेटाइट बिल्कुल भूख मिटती है, एंड एक्साइटी जिसमें कुछ डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स आते हैं, टेंशन लाइक सिम्टम्स आती है बॉडी में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस. तो जो हमें वो फूड्स इंक्लूड करने चाहिए हमारी डाइट में जिनमें फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन बहुत अच्छी खासी रहती है, लाइक मिल्क, चीज़, नट्स एंड सी फूड. नाउ टॉकिंग ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम. सोडियम का आपने सुना होगा, सोडियम जो जिसकी अच्छी कंसंट्रेशन होती है कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट में, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, दैट्स मेड अप ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl. तो एक तो उसमें इसकी कंसंट्रेशन होती है सोडियम की,
सोडियम एंड बनानास में पोटाशियम की कंसंट्रेशन अच्छी होती है, तो फिर इन दोनों की कंसंट्रेशन अच्छी होती है पल्सेस में, फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में, ठीक है। टिन्ड फिश, जो केन्ड फिश हमें रेस्टोरेंट्स में मिलती है, तो दैट्स प्रोसेस्ड फिश, उसमें भी अच्छी कंसंट्रेशन रहती है इन एलिमेंट्स और इन मिनरल्स की। इनकी डिफिशियंसी से वीकनेस हो जाती है बॉडी में, एक्सट्रीम थर्स्ट, प्यास बहुत जल्दी लगती है, ठीक है, एंड एबनॉर्मल हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, एंड मसल क्रैम्प्स, मसल में बहुत पेन होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। हार्ट बीट एबनॉर्मलिटी इन हार्ट बीट या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, वीकनेस आ जाती है बहुत इनकी डिफिशेंसी से। नाउ इट्स आयोडाइन, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स और एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। और ये जो एलिमेंट है ये किस में होता है, आयोडाइज्ड टेबल साल्ट, जो हम घरों में कॉमन साल्ट यूज़ करते हैं, आयोडाइज्ड, हम आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करते हैं जिसमें आयोडीन ऐड किया होता है, ठीक है, और सी फूड में इसकी कंसंट्रेशन होती है। अगर इसकी डिफिशेंसी होगी उससे गोइटर होती है एक प्रॉब्लम। गोइटर क्या होता है, गोइटर में स्वेलिंग हो जाती है नेक पे, इसमें एक ग्लैंड होता है नेक के अंदर, एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, उसी में बहुत स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से ये बाहर भी दिखने को मिलती है। सो स्वेलिंग इन नेक पोर्शन इज कॉल्ड एज गोइटर। एंड पुअर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, मेंटली भी जिसमें ये डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन होगी वो मेंटली भी बहुत वीक होगा, मेंटल रिटार्डेशन होती है उसमें, तो बच्चों में उसको उस प्रॉब्लम को बोलते हैं क्रिटिनिज्म, ठीक है। तो फिजिकल ग्रोथ भी बहुत कम हो जाती है। देन इट्स आयरन, इट्स ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट और मिनरल, इट्स यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो आरबीसीज में एक प्रोटीन होता है, शायद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, हेमोग्लोबिन जो आरबीसीज में होता है, एंड दैट वेरी हेमोग्लोबिन इज अ बायो मॉलिक्यूल दैट्स मेड अप ऑफ आयरन, उसमें आयरन भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट और मिनरल होता है। अगर आयरन की डिफिशियंसी होगी हेमोग्लोबिन नहीं होगा, आरबीसीज में हेमोग्लोबिन की कमी होगी, तो जिसकी वजह से इनेमिया होता है, ठीक है। ये किस में होता है आयरन, एग योक में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, जैगरी में, गुड़ जिसको हम बोलते हैं। तो एनेमिया इससे प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड की कमी, कैरेक्टराइज्ड बाय फटीग, ओवेसी, वीकनेस हो जाती है, रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर एनेमिया होगा, अगर डिफिशेंसी ऑफ आयरन होगी हमारी डाइट में। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड मेंटेनिंग डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। अगर इनकी डिफिशेंसी होगी इनसे भी डिजीजेस हो सकती है, ठीक है। अब इनकी कंसेंट्रेशन भी बहुत मॉडरेट होनी चाहिए, ना ज़्यादा, कभी कभार कैल्शियम इनटेक ऑफ अ लॉट ऑफ कैल्शियम, ओल्ड एज में जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो कैल्शियम लेते हैं कंटिन्यूअसली, उनसे भी फिर किडनी स्टोनस होने के चांसेस होते हैं। हमें हमेशा हर कोई चीज़, हर कोई जो मिनरल और विटामिन की बात करेंगे हम, कोई भी चीज़ हमें नॉर्मल क्वांटिटी में लेनी चाहिए, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरी थिंग इज़ बैड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर, एंड होप यू अंडरस्टूड इट वेल। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। थैंक यू।